आइए दोस्तों, हम आपको देव उठनी एकादशी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराते हैं। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा अच्छा जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आज देने वाले हैं। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। देव उठनी एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निंद्रा से जागते हैं, इसलिए इस दिन इनकी विशेष पूजा की जाती है। यह एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ के अलावा कुछ विशेष उपाय करता है, उसके सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही धन लाभ के भी योग बनने लगते हैं। आइए जानते हैं देव उठनी एकादशी के उपाय। सबसे पहला है, देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान करने के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से जीवन में आपको समस्त सुखों की प्राप्ति होगी। दूसरा है, देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान के बाद भगवान विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से जगत के पालनहार प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा है, देव उठनी एकादशी के दिन पीले रंग का वस्त्र, पीला फल व पीला अनाज भगवान विष्णु को चढ़ाएं। बाद में ये सभी चीज़ें गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दें। ऐसा करने से विष्णु जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। चौथा, यदि आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु मंदिर में सफ़ेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं। ध्यान रहे, भोग में तुलसी के पत्ते जरूर डालें, इससे भगवान विष्णु जल्दी ही प्रसन्न होते हैं और धन की तिजोरी भरने लगती है। पांचवा है, कर्ज से मुक्ति के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। शाम को पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। इस उपाय को करने से जल्द लाभ मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की विशेष जानकारी से अवगत होने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।